क्या है? नाश्ता कार को करो या का सुंग चले आयो थाने मा नवा इंस्पेक्टर साहब आए हमका बोले हैं आपका लेवाना है। अच्छा तो तुम लोग हमका गिरफ्तार कर आए हो? हाँ वो इंस्पेक्टर साहब बोले। अच्छा तब तो चलना ही पड़ेगा भाई, थानेदार साहब ने जो बुलाया है। तो नवा थानेदार साहब बुलाए हैं जी। चलो भाई चला जाए। चलो डोरी हमका लेवा आए हो, भाग जाने भोड़ काच गंगम फेंक दे हमका लेवा आए। जय बता दे अपने थानेदार से कि चांद बाबा कहूं आ जा वाले नहीं हमका बुलाओ आए हैं। नमस्ते मंत्री साहब, हमरे लड़के का छुड़वा दीजिए मंत्री जी। हमारा लड़का बेकसूर है, उसने कोई अपराध नहीं किया। करा धरा सब चांद के आदमियों ने फंसा दिया हमारे लड़के को। हुजूर हम बहुत गरीब आदमी हैं, किसी तरह हमारे लड़के को छुड़वा दीजिए। ठीक है आप परेशान मत होइए, हम देखते हैं। जी साहब आप घर जाइए। चलो भाईजान पुलिस आ रही है। आने दो सालों को। सर लगता है भाग गए साले, जरूर गांव वालों ने सूचित कर दिया होगा। अच्छा तो इसीलिए साला आज तक नहीं पकड़ा गया जो पूरा गांव उनकी सपोर्ट में रहता है। चलो कभी न कभी तो साला पकड़ा जाएगा। गिरफ्तार करने आई पुलिस से चांद इतना क्रोधित हो जाता है कि पूरे थाने में बमबारी करना शुरू कर देता है। बम की आवाज का शोर इलाके के चौराहों से लेकर प्रशासन के गलियारों तक गूंजने लगा। क्या जरूरत थी जाते ही चांद से लड़ने की? तुम्हारी वजह से पुलिस स्टेशन जला दिया गया जिसमें हमारे दो नौजवान सिपाही शहीद हो गए। मुझे नहीं लगता तुम शहर की कानून व्यवस्था संभाल पाओगे। प्लीज सर हमें एक और मौका दी। शट अप, उठाइए अपना ट्रांसफर लेटर और जाइए यहाँ से। जय हिंद सर, आइए बैठिए। उधर चांद बाबा ने थाना जला दिया है, आप यहाँ बैठ के दांत पीस रहे हैं। सर चांद से निपटने के लिए हमने एक अन्य काबिल ऑफिसर को बुलाया है। अब आपको जिसे बुलाना है बुलाइए, अब हम जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी निकलेगी। Yeah.
असलाम भाई। वालेकुम असलाम। और राजू कैसे हो? बढ़िया है भाईजान। चलिए आपको मंत्री जी से मिलवाते हैं। कौन मंत्री? अरे अपने क्षेत्र के लाल जी, जिन्होंने आपकी जमानत करवाई। अच्छा हाँ। चलो भाई। नमस्ते मंत्री जी। अरे आओ आओ सभी एक मियां आओ आओ बैठो। अरे ठीक। अरे बैठो यार, घबरा कह रहे हो, इसे अपना ही घर समझो। और बताओ सभी एक मियां, जेल में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जी नहीं मंत्री जी। अरे हम होने भी नहीं देंगे। ए चाले आओ रे। और बताओ सब ठीक ठाक है? बस आपकी रहमत बनी रहे मंत्री जी। अरे इसमें रहमो करम की कोई बात नहीं है, आप हमारे छोटे भाई जैसे हो। शुक्रिया मंत्री जी। लीजिए सफेद मियां चाय पीजिए। जाइए सफेद मियां, इलाहाबाद आपका इंतजार कर रहा है। अरे शफीक मियां। जी मंत्री जी। ये कुछ पैसे रख लो, आपके काम आएंगे। अरे ठीक मंत्री जी। अरे रख लो यार, और भविष्य में किसी चीज की जरूरत हो तो हमें याद करना। शुक्रिया मंत्री जी, हमारे लग अगर कोई सेवा हो तो बताइएगा। बिल्कुल याद करेंगे शफीक मियां। वालेकुम अस्सलाम बेटा, और सब खैरियत है? सब ठीक है अबू। बेटा तुम्हारी जमानत मंत्री लाल जी ने करवाई है। हाँ और राजू बताए अभी अभी उन्हीं से मिलकर आ रहे हैं, बड़ा नेक आदमी है मंत्री जी। हाँ हाँ वो तो है। अस्सलाम वालेकुम अजान। वालेकुम अस्सलाम। और असरफ सब खैरियत? सब बढ़िया भाई, आपके बिना घर बहुत सुना सुना लग रहा था। चलो अब हम आ गए हैं ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अम्मी अम्मी देखो भाई आ गए। अम्मी अम्मी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हमारा बच्चा कब तक दोबराएगा? अम्मी अब आपके हाथ का खाएंगे तो मोटा जाएंगे। अम्मी बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से खाना लगाइए। अरे एक बार समझ नहीं आ रही है कि चांद बाबा ने हमें छुड़ाया क्यों नहीं, जबकि उसने हमसे बोला था कि काम हो जाने के बाद हम तुम्हें छुड़ा लेंगे। चांद बाबा आपका इस्तेमाल कर रहा है भाई जान। आपके जेल जाने के बाद हम और अब्बू गए थे उनके पास, आपको छुड़वाने के बहाने गांव के बाहर वाली जमीन भी लिखा ली और आपको छुड़ाया भी नहीं। बाकी आप लोग समझदार हैं, देख लीजिए। भाईजान हमें लगता है अब अपना साम्राज्य बनाने का वक्त आ गया है, कब तक हम लोग ऐसे दूसरों की गुलामी करते रहेंगे? बेटा ये सब काम छोड़ दो, कोई अच्छा काम करो जिसे अब्बा का किसी के आगे सर न झुका कर। अम्मी आप परेशान मत होइए, आज के बाद अब्बू को किसी के आगे सर नहीं झुकाना पड़ेगा, बल्कि दुनिया अब्बू के आगे झुकेगी। अब चांद को पता चलेगा कि सूरज निकलने का वक्त आ गया है।
अरे हफ्ता, अरे मालिक कहीं का हफ्ता दे, वही तो लेके गया है। इधर कौन लेके गया? वो देखो सामने। हाँ जल्दी कर जल्दी। कहा हो कहीं के नाम पर वसूली करत? तुमका कोनो दिक्कत है का? दिक्कत हमका नहीं, दिक्कत तुमका हो जाए अगर चांद बाबा जान जाई है तो। अच्छा ये कौन बाबा सी रहे हो? ये चांद के आन कहा था वसूली करियो तो तुमका दिक्कत हो जाए। अच्छा तो दिक्कत हो जाए। जाग बता दियो अपने चांद से कि वही माप ग्रहण लगे समय आए गवा है। काहे सांप की बिलिया मुंगली दिया था? अगर काट ले तो गांड से प्राण निकल जाइए। चल निकल। अब हफ्ता चांद के नाम से नहीं हमरे नाम से देना होगा। बाबा ये कल रात इश्तियाक की बेटी उठा के लाया, उसके साथ रात भर मुराहे बाजी की। क्यों रे, क्या सही कह रहा है? गलती हो गई बाबा, माफ कर दीजिए बाबा। गलती हो बाबा, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, माफ कर दीजिए, गलती हो गई, अब नहीं होगी गलती बाबा, माफ कर दीजिए बाबा, बाबा माफ कर दीजिए बाबा, माफ कर दीजिए बाबा, बाबा आज की बात किसी लड़की को नहीं देखूंगा, बस एक मौका। देखने लायक छोड़ेंगे भी नहीं। नहीं बाबा, 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 नहीं बाबा। रात भर के छोड़ो साले को। अब जोरे का है गवा है, कुकुर कर मुलट का चले आ रहे हो यहाँ। तांगे वाले लौंडा पूरा इलाके में वसूली कर रहा, हम मना किए तो सालों ने मारा, कह रहे हैं आज के बाद हमारे नाम से वसूली होई। अच्छा तो बुलाओ तांगे वाले लौंडे, जरा हम तो देखे कौन घोड़े दूध पिए है। जाओ रे, तुम हो जाओ यही के साथ है। भाईजान आज तो अच्छी कमाई हो गई, हम सोच रहे हैं कि